हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निक्की और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि मेरे सबसे फेवरेट सनस्क्रीन कौन से हैं, मैं कौन से सनस्क्रीन लगाती हूं जिससे मेरी जो स्किन है यूवीए यूवीवी जो भी रेज होती हैं हार्मफुल रेज होती हैं उससे मेरी प्रोटेक्ट रहती है स्किन। और सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से ही सारी स्किन की जो प्रॉब्लम होती है पिगमेंटेशन एंटी एजिंग या अनइवन स्किन और जितना भी हमारे स्किन में प्रॉब्लम होती है वो इसी से होती है। और अगर हमने कितना भी अपनी स्किन को केयर कर ले मगर अगर हमने सनस्क्रीन नहीं लगाया तो हमारा सारा स्किन केयर वेस्ट हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं कौन से सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जिससे मेरी स्किन प्रोटेक्ट रहती है यूवी रेज से और कैसे मेरी स्किन अच्छी रहती है इन सनस्क्रीन से। तो फ्रेंड्स, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो मेरा पहला फेवरेट जो सनस्क्रीन है वो लैक्मे का सन एक्सपर्ट है। ये फेयरनेस प्लस यूवी लोशन है, 50+ SPF है और PA++++ जिसमें ट्रिपल प्लस होता है। फ्रेंड्स, इसमें यूवी ए है और यूवी बी है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए सबसे अच्छा। और फ्रेंड, इसमें जो प्लस 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 ट्रिपल प्लस है ये सबसे अच्छा स्क्रीन सनस्क्रीन होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 280 रुपीज़ का 50 ml का प्रोडक्ट मुझे मिला था और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मेरे लिए क्योंकि ये फ्रेंड 50+ है। तो ये जो सनस्क्रीन है लैक्मे का, ये प्रोडक्ट, मतलब मैं जब ये प्रोडक्ट मैं लगाती हूँ ऑलमोस्ट नवंबर से फरवरी तक ये मेरे लिए अच्छा काम कर जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है और ज़्यादा क्रीमी है। तो ये मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ सर्दियों में, मतलब 6-7 महीने ये वाला प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ। और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि 50+ जो सनस्क्रीन है मिनिमम होना ही चाहिए अगर आप घर से बाहर निकलते हैं। और बाकी अगर आप घर में रहते हैं नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बीबी क्रीम भी लगा सकते हैं। इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी है, थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगता है, ये बिल्कुल क्रीमी प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं वाइट कलर का है। तो इसे जस्ट आपको मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे थोड़ा सा लगा के दिखा रही हूँ। ये जैसे भी आप इसे रब करेंगे बहुत जल्दी ऑब्जर्व तो हो जाता है बट थोड़ा सा वाइटिश देता है जो कि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। और ये जो है बहुत ही क्रीमी और मॉइस्चर देता है, आप देख सकते होंगे, आप शाइन देख पा रहे होंगे कैमरा अगर दिखा पा रहा था। तो फ्रेंड, ये थोड़ा सा क्रीमी होता है इसलिए मैं इसे सर्दियों में लगाती हूँ, ये सर्दियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है सनस्क्रीन मेरे लिए। सेकंड सनस्क्रीन जो मुझे बहुत पसंद है ये न्यूट्रोजीना का है, अल्ट्रा शीयर का है, ड्राई टच सनब्लॉक, इसमें पहले ही लिखा है ड्राई टच सनब्लॉक, बिल्कुल ये मतलब ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगा। और ये भी 50+ है और इसमें ऐड है, इसमें एक्स्ट्रा जो है हेलियोप्लेक्स है और यूवी है यूवी बी और इसमें भी 30+ है इसमें। तो ये भी बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है और ये मेरा सबसे फेवरेट सनस्क्रीन है। और इसकी क्वांटिटी जो है 30 ml की क्वांटिटी आपको मिल जाती है 180 रुपीज़ में। अगर आप नायका से लेते हैं, मैंने भी नायका से लिया है, तो इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको सनस्क्रीन लगाना होता है 20-30 मिनट पहले, जब आप सन में जाते हैं उससे पहले लगाना होता है। इसका भी आप देख सकते हैं छोटा सा ड्रॉप लेना होता है और ये मेरा बेटा हिला रहा था। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से लगा लिया तो बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल ड्राई टच हो जाता है, सूखा है, ज़्यादा क्रीमी नहीं है। तो ये गर्मियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है और मैं गर्मियों में लगाना पसंद करती हूँ न्यूट्रोजेना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया और मेरे रिव्यूज़ पसंद आए मेरे दोनों फेवरेट सनस्क्रीन का तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।